नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। नित्य न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। नाबालिग ने दोस्त के साथ मिलकर रची अपहरण की कहानी। लिव इन में रह रही प्रेमिका के छोड़कर चले जाने से नाराज एक नाबालिग प्रेमी ने खुद के अपहरण और मारपीट की कहानी रच दी। नाबालिग साथ रह रही प्रेमिका भी नाबालिग है। शुरू में वह पुलिस को यह कहानी सुनाकर गुमराह करता रहा कि दो दिन से कुछ अज्ञात लोग उसे पेड़ से बांधकर पीट रहे थे। लड़के के शरीर पर चोट के निशान भी थे। बाद में पूछताछ में पता चला कि उसके पास की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से प्रेम प्रसंग था। दोनों अपने माता पिता का घर छोड़कर लिव इन में रहते थे। तीन दिन पहले लड़की किसी बात पर झगड़ कर अपनी माँ के पास चली गई। इसके बाद लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर यह कहानी रची। उसे लगा कि उसके साथ मारपीट की कहानी सुनकर उसकी प्रेमिका वापस आ जाएगी। पुलिस ने प्रेमी के साथ उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। दियात थाना TI सुनील खेमरिया ने बताया कि लड़के ने प्रेम प्रसंग के चलते यह झूठी कहानी रची है। इस पर पहले भी मामला दर्ज हो चुका है। दो दिन बाल सुधार गृह में भी काट चुका है लड़का। मम्मी का पापा भैया जानते हो तुमने? कौन है तुम्हारे? वो उनका नाम है सायरा। तुम्हारे कौन है वो? कौन जिनने तुम्हें बांधा है? कोई नहीं है मेरे। हाँ? नहीं परिचित के हैं क्या? जानता हूँ, कोई बुलाया था मेरे को और सर में मारा और फिर दो दिन से पता नहीं कहाँ ले गए थे। सर जी, आज रवि जाटव नाम का एक युवक जो बंधा हुआ मिला था मरगट खाने के पास में, पूरा मामला क्या निकला? दोपहर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति करवला के पास बंधा हुआ डला है और FR भी पहुंच गई थी हमारी, हम लोग भी पहुंच गए थे और उसके शरीर पे कुछ खरोंचे थी लाइनिंग टाइप की बनी हुई थी हाथों पे छाती पे। उसको हॉस्पिटल लेके गए और उसका मेडिकल कराया। जब उससे पूछताछ करी तो उसने बताई कहानी के मुझे कुछ लोग दो दिन से बंद करके रखे थे और मेरे को बांधा मारा पीटा और यहाँ पटक के बांध गए थे। चूँकि हमारे यहाँ पे पहले भी एक अपराध उसके खिलाफ़ में पंजीकृत था, एक लड़की से उसका प्रेम संबंध था और उसकी वजह से उसके खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड हुआ था, तो उस आधार पर हमें ये लगा कि कहीं इसकी जो बोल रहा है उसमें सच्चाई नहीं है और उसकी कहानी भी हजम नहीं हो रही थी। लगातार पूछताछ करने पे कहानी यही नज़र आई कि वो जिस लड़की से उसका संबंध प्रेम संबंध थे, वो लड़की अभी कुछ दिनों पहले घर चली गई थी, उसका कुछ विवाद हो गया था, ये पहले साथ में भी रहने लगे थे और उसको पास में लाने के लिए इसने इस प्रकार की ये झूठी कहानी बनाई कि मेरे को पकड़ के बांध दिया था और उनके घर वालों ने मेरे को बांधा है। तो इसका मतलब क्या, उसने अपने उसके लड़की के परिवार को फंसाने के लिए साजिश रची थी? हाँ, उसने इस प्रकार की साजिश रची थी कि घर वालों के खिलाफ भी अगर मैं रिपोर्ट करूँगा तो हो सकता है घर वालों के खिलाफ रिपोर्ट होने की वजह से लड़की वापस आ जाए और या घर वाले वापस भेज दें।